पुकारे अजरे प्यार करे या ना करे, अगर मेरे दिल में जो आपके लिए प्यार है, जो एहसास है, उसने मुझे बहुत मजबूत किया है। पर बाहर जो मेरे पीछे कोई आया, मर चुकी हो तुम मेरे लिए। अबू, अबू, मैं बाहर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। दो दिन में निकाह करके लेके जाऊँगा। हाँ आशी, क्या हुआ समन? समन बेटा तुम रोना नहीं, पापा आ रहे हैं अभी। आप ये कहना चाह रही हो कि आशी प्रेग्नेंट है? शी इज प्रेग्नेंट और अर्ली प्रेगनेंसी में बेबी शूट करना नॉट अ गुड साइन। अम्मी ने सुबह जल्दी जल्दी उठकर नाश्ता बनाया और मुझसे कहा जाओ जाके फरा के घर दे आओ, कहीं ऐसे नहीं हसन चला जाए। और लो मैं यहाँ जल्दी आई हूँ और हसन साहब चले भी गए। अरे नहीं बच्चों, दरअसल वो अपनी बेटी को बहुत मिस कर रहे थे, सुबह से उसका फोन भी बहुत आ रहा था, इसीलिए चले गए। फरा, कहीं ऐसे ना हो कि हसन और तुम्हारे दरमियान उसकी बीवी ने उसकी बेटी आ जाए। नहीं बच्चों, इतना नेगेटिव होके क्यों सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी एडोरेबल सी तो बच्ची है, भला वो दीवार क्यों बनेगी। और अगर आयशा को कुछ पता चलेगा तो ही कोई बात होगी ना, उसको कभी पता ही नहीं चलेगा। फरा, लेकिन सारी जिंदगी तो ऐसे नहीं गुजर सकती ना। अच्छा बाजो, वो सब छोड़ो, मुझे बताओ अम्मी अब्बू कैसे हैं, खुश हैं, मुतमईन हैं? हाँ भाई हाँ, बहुत खुश हैं। बस थोड़े से फिक्रमंद है, आमिर को पता चलेगा तो न जाने क्या होगा। और फिर तुम बस कर दो बाजो, प्लीज आमिर की बात ना करो, मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। अच्छा छोड़ो, नहीं करते उसकी बात। ये बताओ कि हसन ने तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दिया था, दिखाओगी? नहीं मुझे दिखा दूंगी, पहले मुझे नाश्ता तो खिला दो, बहुत भूख लग रही है। सारा वक्त बस खाने की बात कर। चलो नाश्ता खिलाती हूँ और उसके बाद तुम घर चलना मेरे साथ, ठीक है? नहीं, हसन आएंगे तो मैं उनके साथ ही आऊँ। ये भी ठीक है, हसन की तुम एक दिन में ही हो गई। चलो अच्छा, चलो नाश्ता कराती हूँ। अशब, अब सारा दिन रिलैक्स रहना है और पूरा दिन आराम करना है, दवाई टाइम पे लेनी है। अच्छा ठीक है, लेकिन आप समन को ले आए। देखो समन आएगी फिर तुम्हें तंग करेगी, आप ले आए ना उसे। अच्छा वो ले आएंगे ना, वो कह तो रहे हैं ले आए। अच्छा मैं घर जा रहा हूँ, सामान को लेकर आ रहा हूँ, लेकिन तुम आराम करो प्लीज, अभी हॉस्पिटल से आइए। मैं कमरे में ले जाता हूँ। हसन तुम खुश हो इस खुशखबरी? तब भी ठीक हो जाएगी, मैं ख्याल रखूंगी अपना। तुम ही चाहते थे ना हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। अब बस दुआ करना कि बेटा हूँ। मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो। जब तुम थक गए हो तुम सो जाओ, सामान आ जाए तो फिर सो जाता हूँ। मेरी जरा सी तकलीफ पर कितना चेहरा उतर जाता है। Yeah.
फरा से तो बात ही नहीं हो सकी, कितनी परेशान होगी बेचारी। बहुत मजे का बनाया। समन बेटा, अब आपने ना एक बहुत बड़ा काम करना है। आपने ना मामा को ना बिल्कुल भी तंग नहीं करना। मैं तो मामा को बिल्कुल तंग नहीं करती। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, हमारी प्यारी सी गुड़िया हो, आप बिल्कुल भी मामा को तंग नहीं करती हो। लेकिन देखो, अब ना जो काम आपके मामा करती थी ना, वो सारे काम ना आपने खुद करने हैं अपने हाथों से। मामा को आराम की बहुत जरूरत है अभी, वरना मामा फिर से हॉस्पिटल चली जाएंगी। देखो, अब ना मामा को ना आराम की जरूरत है। मामा आराम करेंगी ना तो फिर हमारे लिए छोटा सा प्यारा सा भाई लेकर आएंगी। सच मामा, अगर मैं अल्लाह मियां से दुआ मांगूंगी तो फिर मेरा छोटा सा क्यूट सा भाई आ जाएगा। जरूर देंगे, क्यों नहीं। फिर मैं अल्लाह मियां से रोज दुआ मांगूंगी। मेरा बच्चा, तुमने इसी तरह रोज दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से। अच्छा आयशा, जरा हसन को तो जगा दो, आकर कुछ खा ले। भाभी सोने दें, बहुत थके हुए थे, बातें करते करते सो गए, मैं तो कमरे से चुपके से आ गई। हाँ, लेकिन ना उसने नाश्ता किया है ना उसने खाना खाया है। बेशक वो आराम कर ले, लेकिन कुछ खा ले फिर सो जाए ना। चलिए मैं उसे उठा देती हूँ। हेलो हसन। फरा, आयशा बात कर रही हूँ, हसन सो रहे हैं। अब आई एम सॉरी, वो मैं, तुमने इसीलिए कॉल किया ना क्योंकि आज वो ऑफिस नहीं आए। हाँ जी, एक्चुअली मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, कल सारी रात हॉस्पिटल में थी, हसन भी इसी चक्कर में जागे रहे, इसीलिए थके हैं सो रहे हैं। तो आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, एक्चुअली प्रेग्नेंट हूँ, इसकी वजह से बीपी हाई होता रहता है। अच्छा चले, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ तुम भी। अच्छा हसन जागते हैं तो फिर मैं कॉल बैक करवा देती हूँ। हाँ जी, थैंक यू। आज हमारी नई जिंदगी शुरू हुई। सही कह रहे। तुम बता, समन बाहर दुआएं मांग रहे और कि सब कुछ बदला बदला लगे। अच्छा भूखे सोए हुए हो, उठो आ जाओ खाना खाओ।
तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही। तुम वेट नहीं कर रही? अस्सलाम वालेकुम, आप आ गए? मुबारक हो, कॉल की थी मैंने आपको, तो आयशा से बात हुई, उन्होंने मुझे खुशखबरी बताई, बहुत मुबारक हो। थैंक्स। आई डोंट नो व्हाट टू से यार मैम, तुम्हें तुरंत बना ऐसे छोड़कर चला गया। It's okay, Hansen. Emergency थी ना? I understand. अरे याद है तुमने पसंद किया था ये? मैंने खरीद लिया था, सोचा था शादी की रात को दूंगा, लेकिन ना क्या मौका ही नहीं मिला। बच्चों आई थी आज, तू बस वेट कर रहे तो हाँ तो चलते हैं। चाय बना दो आप? नहीं नहीं यार, मुश्किल से वक्त निकाल के आया हूँ मैं, आशी की तबीयत ठीक नहीं और सामान भी अकेले घर पे, सो तुम्हें ड्रॉप करके फिर मैं चला जाऊँ। ठीक है, प्लीज डोंट वरी, सब ठीक कर लूंगा। मैं समझती हूँ असल, आयशा को इस वक्त आपकी ज्यादा जरूरत है। अंडरस्टैंड। चले। अच्छा बज्जो, मैं भी फराज से बात नहीं कर रहा यार, कुछ दिन रह गए शादी में, शर्माएगी वो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ आमिर, चलो ठीक है, मुझे जाना है, बहुत काम है। अब मैं परसों तक पहुंच जाऊंगा, बहन और बहनोई दो दिन बाहर निकलेंगे। हाँ खुदा हाफिज। क्या कह रहा था बज्जो? परसों आ रहा है। अब क्या करेंगे हम? कुछ नहीं होगा, तुम परेशान क्यों? मैं हूँ, सब संभाल लूंगा। मैं अम्मी अबू को बुलाती हूँ। अरे देखो बेटी, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, चलो। हसन, तुम्हारी ख्वाहिश थी ना हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए, मैं दुआ करूंगी कि ऐसा ही हो। पर हम रियली वरिड अबाउट यू यार। हो गया ना एक दफा, दोबारा नहीं होगा। तुम बस मेरे साथ रहो, मैं ठीक रहूंगी, पता भी नहीं चलेगा ये वक्त क्यों गुजर जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? असल में हाँ, वो हमारी कंपनी ने इस्लामाबाद में एक और कंपनी के साथ एक डील की है, उसके लिए मुझे ऑन एंड ऑफ जाना पड़ेगा इस्लामाबाद, कभी एक दिन, दो तीन दिन भी समटाइम्स। तुम अकेले कैसे मैनेज करोगी? प्रॉब्लम तो है, कोई बात नहीं, कोई सलूशन ढूंढ लेंगे इसका भी। क्या सलूशन? कोई खातून ढूंढने के लिए 24 घंटे मेरे साथ है, वरना भाई और भाभी तो है ही, उनको तुम नहीं होगे तो मेरा ज्यादा ख्याल रखेंगे। Really? हो सकता है मेरी कल की फ्लाइट हो। तो जाओ, कोई मसला नहीं, तुम्हें पता है जब तुम मेरे लिए परेशान होते हो मुझे बहुत बुरा लगता है, और बहुत अच्छा भी। ख्याल रखना, I want you to take care of yourself. अब चलो आराम करो, चल के चलो, come on.
हेलो हसन, मसला हल हो गया। कौन सा मसला? भाई, जो कल रात को हम बात कर रहे थे, वो भाभी ने खातून को भेजा है रात के लिए। अच्छा, चलो फिर मैं काम खत्म करके घर आता हूँ, तो फिर मिल लूंगा उनसे। और फिर तुम टिकट करवा देना, मैं वहीं से एयरपोर्ट निकल जाऊंगा। ठीक, ओके, बाय बाय। हेलो, पहली बेल पे ही फोन उठा लिया, इंतजार कर रही थी क्या फोन का? जी। अच्छा सुनो, मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, उसके बाद फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तो तुम भी फौरन से घर पहुंच जाओ। जी। ओके बाय। कितना बड़ा धोखा दे चुका हूं मैं आयशा को, अगर उसे कभी पता चल गया तो क्या गुजरेगी उस पर, क्या कर गया मैं? हसन सुनो, कल वापस आ जाओगे ना? ये तो कल ही बता सकता। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना और मुझे पहुंचते ही कॉल करना। अच्छा, तुम कुछ भूल रहे हो शायद। क्या बोल रहा हूँ? मेरा गिफ्ट। कौन सा गिफ्ट? वो जो तुम्हारे कोर्ट में ब्रेसलेट पड़ा हुआ है। यार, सारा मेरा सरप्राइज खराब कर दिया ना तुमने। मैं अपने तरीके से देता ना तुम्हें यार, तुम भी ना जानबूझ के थोड़ी की है, वो तो उस दिन मैं कोट उठाई थी उसमें से गिर गया। अच्छा अच्छा, वो ऑफिस में, ऑफिस की ड्रॉअर में पड़ा ना, तो वहां से निकाल के फिर तुम्हें पहना दूंगा बाद में। ठीक है। पापा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं ना, आप यहाँ रहो, मामा का ख्याल रखो, मामा को भूलने की बीमारी हो गई। प्लीज ना। नहीं, यहीं रहो। चलो, ओके, बाय बाय। रात में दरवाजे बंद करके रखना। मैंने तेरे इश्क में जीना सीखा, कैसे गुजरे पल ये मेरे और गुजरी रतियां मेरी। आजा पिया मैंने तेरे इश्क में जीना सीखा, कैसे गुजरे पल ये मेरे और गुजरी रतियां मेरी। पिया तुम्हारे साथ सिर्फ आज, सारी जिंदगी के लिए। चलिए अंदर आ जाओ। कितना मुश्किल है ना हसन के बगैर रहना। Thank you.
मुझे। जगाने वाली थी, बस नाश्ता तैयार कर रही थी। आइए बैठिए। फरा है कहाँ? उसे बुला लें, उसे भी तसल्ली हो जाएगी। फरा यहाँ नहीं है। आज भी ऑफिस चली गई। उसका निकाह हो गया है। प्लीज जिद मत करो, खा लो। पापा की कॉल आई थी तो मुझसे बात क्यों नहीं करवाई? अच्छा ये खा लो, उसके बाद कराऊंगी, प्रॉमिस। पहले बात करवाएं फिर खाऊंगी। आपकी बेटी तो बहुत प्यारी बेटी है आयशा बीबी, अपने हाथ से खाना खाती है, भाई वाह। है ना ताज बीबी, मेरी बेटी तो बहुत ही अच्छी है, मामा को बिल्कुल तंग नहीं करती। पापा भी तो कह के गए थे कि मेरी गुड़िया रानी मामा के सारे काम खुद करेगी। पहले मैं आपको खिलाऊंगी फिर खुद खाऊंगी। अच्छा ठीक है। Good girl. Have them. Chai. Thanks. Kya baat hai Hasan? Pareshan lag rahe hain aap. तुम्हें कैसे पता चला? आपकी आंखों में, आपके चेहरे पे लिखा हुआ। अपने प्यार को जानने के लिए सदियों की जरूरत नहीं होती, बस एक लम्हा काफी। अच्छा बताइए प्रॉब्लम क्या है? खास नहीं। एक्चुअली उस दिन मेरे जैकेट में आशी ने ये ब्रेसलेट देख लिया था। और कुछ नहीं। तो इसमें मसले वाली क्या बात है? ये आप उन्हें दे दें। नहीं फरा प्लीज, ये मैंने तुम्हें दिया, इसे कभी अपने हाथ से उतारना मत। क्या करेंगे आप? चलते हैं अभी ज्वेलर्स की शॉप पे, दूसरा ले लेंगे और साथ में तुम्हें कुछ शॉपिंग भी करवा दूंगा। मैं क्या करूंगी शॉपिंग करके? मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें शॉपिंग करवा। आशी हाँ हेलो आशी, कैसे हो हसन? हाँ मैं ठीक हूँ। वह रात को फोन क्यों ऑफ था? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी, कितनी टेंशन में थी। हाँ वो एक्चुअली यार वो कल रात को बहुत थक गया था, मैं तो सोना चाह रहा था, आज सारा दिन बड़ी मीटिंग्स रहेंगी मेरी। तुम्हें पता है समन ने मुझे कितना तंग किया? वो तो शुक्र है ताज बीबी ने संभाल लिया, और अच्छी खातून है, वरना मैं तो तुम्हें रो रो के फोन करती कि फौरन वापस आ जाओ। अच्छा चलो आशी तुम अभी रिलैक्स हो जाओ यार, मैं भी तैयार हो रहा था ना, तो फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, जल्दी करना, मैं वेट करूंगी। ओके बाय। आप भी तो कह रही थी कि अभी आपको मैं ये चीज़ें ना दिखाऊं, लेकिन मेरे ख्याल से दिखा देना चाहिए। ये देखें,
से फरा है कहाँ? उसे बुला लें, उसे भी तसल्ली हो जाएगी। फरा यहाँ नहीं है। आज भी ऑफिस चली गई। हफ्ते में शादी है उसकी। उसका निकाह हो गया है, वो अपने घर रुखसत हो गई है। क्या मतलब? ये क्या मजाक? ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, जहां करना चाहती थी हमने कर दी। कैसे कर दी? कैसे कर दी शादी? कहां कर दी शादी आप लोगों ने? तमीज से आमिर। कौन सी तमीज? कैसी तमीज? नहीं बताएंगे आप लोग मुझे, नहीं बताएंगे किसके घर शादी की है। पता है मुझे, अच्छी तरह पता है। खोद निकालूंगा उसे मैं, पाताल से निकाल कर लाऊंगा उसे। पता है, अच्छी तरह पता है। नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। पता था कि हसन ने तो आना नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा तुम दोनों माँ बेटी बोर हो रहे होंगे, क्यों ना पिकनिक का प्रोग्राम रख लें। बिल्कुल सही किया भाभी। वैसे अच्छा किया जो हमने आज का प्लान कर लिया, दिन का दिन भी गुजर जाएगा, शॉपिंग भी हो जाएगी। समन, आइसक्रीम के बाद तुमने क्या खाना है? चीज बर्गर। वाओ, चलो भाई आइसक्रीम जल्दी से फिनिश कर लो, उसके बाद हम जाकर चीज बर्गर खाएंगे, ठीक है? इतनी सारी शॉपिंग करा दी, मना कर भी रही थी आपको, सुनते ही नहीं। तो मैं पहली बार शॉपिंग करवा रहा था, ऐसे ही तो नहीं रुक सकता था। This is very nice. ये इसके साथ जाएगी। कॉल आ रही, बच्चों की है। हेलो। हाँ बच्चों, क्या अब क्या करेंगे? ओके 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 बाय। आमिर क्या कह रहा? बहुत बदतमीजी करके गया हसन, घर वालों को धमकियां देकर गया। तुम परेशान मत हो, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। मुझे नंबर दो जरा उसका। नहीं नहीं नहीं, आप उससे बात मत कीजिएगा, बहुत बदतमीज इंसान है। अरे यार तुम नंबर तो हसन। नहीं ना प्लीज, बस आज आप इधर ही रहिएगा प्लीज, और डर लग रहा। एक मिनट, आशी का फोन। हाँ आशी, आशी मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करें। इसका मतलब है तुम आज भी नहीं आओगे? नहीं मैं कल आ सकूंगा आशी। अच्छा जरा समन से तो बात कर लो। नहीं आशी अभी बिजी हूँ। आशी आशी बाद में बात करता हूँ ना फिर उससे, ठीक है? ओके ओके बाय। आज आप इधर ही है ना? चलो अंदर रखो जाके चीजें। कहाँ बातें कर रही थी आप यार? तुम इतनी देर से फोन कर रहा हूं मैं तुम्हें। तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ होता है, उससे बात करना ज्यादा जरूरी है मुझसे। मुझे क्या हुआ है? क्या हुआ है मुझे? गुस्से से पागल हो रहा हूं मैं, नफरत हो रही है मुझे, फरा से नफरत हो रही है। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं आने की, शादी कर ली उसने,
धोखा दे दिया उसने मुझे। हाँ हाँ फरा ने, उसे मैं ढूंढ निकालूंगा, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और इसे साथ लेकर आऊंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा उसे मैं। हसन आपको नहीं पता वो अम्मी अब्बू के घर जाके रोज उन्हें तंग करेगा। परेशान मत हो, वो नहीं पहुंच पाएगा वहां। वो मुझ तक भी पहुंच सकता है हसन। अच्छा रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। हसन आमिर होगा, प्लीज मत खोलेगा, कोई और भी तो हो। नहीं नहीं हसन रिलैक्स। सलाम अलैकुम अंकल, अम्मी ने नियाज करवाई थी तो ये हलवा भेजा है। अच्छा मैं बर्तन कल भेज दूँ आपको? जी थैंक यू। रिलैक्स फरा, जस्ट रिलैक्स, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जी सो रही थी क्या बच्चो? नहीं पर तुम क्यों जाग रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों हसन नहीं है क्या? है सोए में बच्चों, मुझे बहुत डर लग रहा है। वापिस कब आएंगे आप? जल्दी आओ, तुम परेशान मत हो, दरवाजा लॉक कर लेना, कोई नॉक करे तो भी मत खोलो। ओके कैसे सामना करूंगा आयशा का? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तो तुम्हारी खुशबू से पता चल जाता है तुम्हारे। पापा को मिस किया था? कितना मिस किया? बहुत सारा। बहुत सारा। मगर अम्मी। मगर मगर कुछ नहीं, तुम प्लीज अपने घर जाओ, यहाँ दोबारा मत आना, इट्स नॉट सेफ। लेकिन फरा अम्मी सही कह रही है, हमें मिलना होगा, हम आ जाएंगे तुम्हारे पास, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ प्लीज जाओ बेटा जाओ। हसन तुम अब नहीं रहना, तो दो दिन दो साल की तरह गुजरे। फिर पता है तुम बिल्कुल समन की तरह हो, समन की माँ नहीं हो, अभी वो भी मुझसे यही बात कर रही थी। जस्ट अ सेकंड। तुम घर से सीधा एयरपोर्ट गए थे ना? हाँ। और अब भी एयरपोर्ट से सीधा घर आए हो?
हाँ तो आज संडे कहीं बाहर चलने का प्लान है? नहीं, ये ऑफिस के दराज में रह गया था ना, तो तुम जाते हुए लेकर आए हो या अभी आते हुए लिए? जाते हुए लेकर गया था। तो सवाल क्यों पूछती हो? रिलैक्स, एंजॉय। अच्छा ना हसीन, आई लव यू। फरा कहाँ है? आजा पिया बिन तेरे कैसे काटी रतियां, जो जो आशी की है, जो समन की है। निसार अहमद साहब, एक बेटी की शादी तो तू की, तुम्हारे करतूत भी जमाने के सामने आ जाए। ताज बीबी, हसन कहाँ है? किसी का फोन आया था। किसका था? किसी खातून का था। इतनी कॉल्स की मैंने आपको, नहीं कर पाया कॉल तुम्हें, प्लीज दोबारा फोन नहीं करना मुझे। आज रात से पहले मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। दिया के द्वारे इश्क पुकारे आजा रे। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.